नमस्कार, आपण समस्त को आर्गस न्यूज़ रो जगशक्ति कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आज चतुर्थ अध्याय अर्थराइटिस बा गंठी रे होतवा जंत्रणा को योग माध्यम रे केमिति ठीक करिबा, तार किछि अभ्यास हम करिबा। जेमिति आमे आगरु जानिचे एटा मध्ये गुडे डीजेनरेशन किंबा आमर बयस बढ़िबा सहित विभिन्न प्रकार आंठू गंठी रे जंत्रणा होइथाय। आउ मध्य आमर एटा होची आमर विभिन्न प्रकार स्नायु एवं खाद्यपेय एवं ऑटो इम्यून्स आमर निजर इम्यून सिस्टम पाई मध्य आमर एही प्रकार प्रॉब्लम होइथाय। एवं एही अभ्यास रे विशेष करी रक्तर प्रभाव अंग प्रत्यंग को स्नायुर सत्यजता को अनुभव करिबा एवं श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करिबा। वर्तमान आमे दुई हाथ को कांध समांतर को आणिबा, श्वास नबा एवं जेते संभव प्रसारित करिबा, पुणी श्वास छाड़ी दुई हाथ को कांध सामनारे जोड़िबा। श्वास नबा, दीर्घ श्वास नबा, हस हस मुह प्रसारित करिबा दुई हाथ को, पुणी श्वास छाड़ी दुई हाथ को जोड़िबा। तीन, श्वास नबा, प्रसारित करिबा, श्वास छाड़िबा दुई हाथ को जोड़िबा। चार, श्वास नबा, श्वास छाड़िबा। पाँच, श्वास नबा एवं किस समय यह अवस्था रहिबा, दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा छाड़िबा, दुई हाथ स्थिरता को अनुभव करिबा, दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा छाड़िबा, किसी समय यह अवस्था रहिबा। कांध ठू नहीं आंगुली पर्यंतर बाँ हाथ एवं डाण हाथ स्थिरता को अनुभव करिबा। दस रु तीस सेकेंड पर्यंत यह अवस्था रहिबा एवं धीरे धीरे अभ्यास को बंद करिबा। बर्तन आम ग्रीवा शक्ति विकाशक करिबा पामर गला उपरे, जमिति प्रथम तीन अध्याय मध्ये अभ्यास करिछु। दीर्घ श्वास नबा, मुंड को पछक नबा एवं प्रसारण को अनुभव करिबा, श्वास छाड़िबा, मुंड को आगक नबा एवं पछपाखर मांसपेशी को स्ट्रेच को अनुभव करिबा, पुणी दीर्घ श्वास नबा एवं छाड़िबा। ए अभ्यास को किछ समय अभ्यास करिबा। अभ्यास करिबा समय श्वास प्रश्वास सहित पछक नबा, श्वास छाड़ी आग को झुकिबा एवं मांसपेशी संकोचन प्रसारण को देखिबा गलार आग एवं पछ भाग रे। दीर्घ श्वास नबा, पछक जीवा, श्वास छाड़ीबा, आग को झुकिबा एवं पछ पछ मांसपेशी संकोचन प्रसारण को अनुभव करिबा। दीर्घ श्वास प्रश्वास, हस हस मुह सहित ए अभ्यास को पांच थर पछ को एवं पांच थर आग को नहीं अभ्यास करिबा। ए अभ्यास को दिन रे आउ दि तीन थर मध्य करा जाय पारे। विश्राम करिबा। वर्तमान पाख को नबा साइड को डाण को, पुणी श्वास नबा मझी को, पुणी श्वास छाड़ीबा बाँ को। ए अभ्यास को आमे चालू रखिबा। बाँ को एवं डाण को करिबा समय रे ध्यान दबा आमर मुंडर बा गलार साइड रे होतबा स्ट्रेच को बा संकोचन प्रसारण को मांसपेशीर दुई आड़ को मुंड एठू नहीं कांध पर्यंत स्ट्रेच को पूरा अनुभव करिबा, पुणी डाहाण पक गला बेले बाँ पटर स्ट्रेच को अनुभव करिबा। कांध को ऊपर रखने कांध को ढिला छाड़ दबा जहाँ फल स्ट्रेच आम बेसी अनुभव करिपरिबा। कांध को ढिला छाड़ दबा, कांध को ढिला छाड़ दबा एवं मुंड को प्रसारित करिबा, स्ट्रेच को अनुभव करिबा, रक्त संचरण को अनुभव करिबा। एमिति आमे प्रत्येक पार्श्व को पांच पांच थर करिबा परे पुणी आमे सीधा रखिबा, श्वास छाड़िबा कांध आड़ को देखिबा, पुणी श्वास नबा मझी को आसिबा, श्वास छाड़ी बाँ कांध को देखिबा। एही अभ्यास को पुणी दुई साइड को पांच पांच थर करिबा एवं संपूर्ण गळारे मांसपेशी संकोचन प्रसारण को देखिबा एवं गळा पाखरु पूरा शरीर को जाल भलिया बिछय होतिबा स्नायुर नेटवर्क को
বা স্নায়ুর জাল ভলিয়া বিছাই হইতিবা সম্পূর্ণ শরীরের সতেজতাকে অনুভব করিবা। দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস নবা আর ছাড়িবা। শ্বাস প্রশ্বাসর গতি উপরে আমার মুন্ডর বা গলার টুইস্ট কু সেই অনুপাতরে আমি বুলাইবা, বিশ্রাম করিবা। বর্তমান আমি অন্টা পাই অভ্যাস করিবা, দুই সাইড কু যা। যদি আঁঠু এমিতি আমি বেশি সময় রহিপারুনে আমি গোড়কু সিধা মধ্য করিপারিবা এবং সাইড স্ট্রেচ করিবা। এক, শ্বাস ছাড়িবা। দুই, শ্বাস ছাড়িবা। তিন, শ্বাস ছাড়িবা। চার, শ্বাস ছাড়িবা। পাঁচ, শ্বাস ছাড়িবা। ছ, শ্বাস ছাড়িবা। সাত, শ্বাস ছাড়িবা। আট, শ্বাস ছাড়িবা। ন, শ্বাস ছাড়িবা। দশ, কি সময় রহিবা? দশ কাউন্ট পর্যন্ত রহিবা। পরিবর্তনকে অনুভব করিবা মেরুদণ্ডরে, পেটরে। দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস নবা ও ছাড়িবা, হস হস মুহ। পুনি আমি অন্য পটকু মুড়িবা এবং কি সময় রহিবা পেট উপরে এবং পিঠিরে মেরুদণ্ডর পরিবর্তনকে অনুভব করিবা। দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস নবা ও ছাড়িবা, হস হস মুহ। বিশ্রাম করিবা। বর্তমান আমি পাদরে গণ্ঠিকু আগ পছ করিবা, দুই পাদকু এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছ, সাত, আট, ন, দশ। বর্তমান দুই গোড়কু এক, আঁঠুকু বাঁকিবা নাই, আঁঠু সিধা রহিব। দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছ, সাত, আট, ন, দশ। বর্তমান আমি ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে বর্তুল আকারে বুলাইবা। এক, দুই, ধীরে ধীরে করিবা। তিন, চার, পাঁচ, ঘণ্টা ঘণ্টা বিপরীত দিগরে বড় বর্তুল আকার করিবা, ধীরে ধীরে করিবা। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। যেমন এই অভ্যাসক নিজে নিজে করিপারিবে না কিংবা আমার বর্তুল আকারে বুলুনি, আমি হাতক আনি জঙ্ঘ উপরে রাখি মধ্যে তাকে গোল গোলরে বুলাইবা। বিশ্রাম করিবা। দুই পাদর গণ্ঠিরে হইতিবা পরিবর্তনকে অনুভব করিবা। বর্তমান ধীরে ধীরে ছিড়া হবা। বর্তমান আমি জঙ্ঘ শক্তি বিকাশ করিবা, দুই গোড়ের মধ্যে ব্যবধান রাখিবা দশরু বার ইঞ্চ। দুই হাতকু কান্ধর সমান্তর রাখিবা এবং আঁঠু পাখরু বাঁকিবা, পুরা বসিবানি অধা চেয়ার ভরিবা। এক, শ্বাস ছাড়ি। দুই, শ্বাস ছাড়ি। তিন, শ্বাস ছাড়ি। চার, যেমানে এইভাবে করিপারিবে না সে চেয়ারে বসবে এবং ছিড়া হবে, পুনি চেয়ারে বসবে এবং ছিড়া হবে। ছ, শ্বাস ছাড়িবা, পুনি ছিড়া হওয়া। শ্বাস ছাড়িবা, পুনি ছিড়া হওয়া। ন, শ্বাস ছাড়িবা, ছিড়া হওয়া। দশ, শ্বাস ছাড়িবা, কিছু সময় রহিবা, যেত সময় রহিপারিবা রহিবা এবং ধীরে ধীরে ছিড়া হওয়া। জঙ্ঘ উপরে হইতিবা পরিবর্তনকে অনুভব করিবা। বর্তমান আমি অভ্যাস করিবা পিণ্ডলী শক্তি বিকাশক বা এই মসল পাই। আমি দুই হাতকু কোমর উপরে মধ্যে রাখিপারিবা এবং বাঁ গোড়কু ডাহাণ গোড়কু করিবা পিঞ্চিবা। এক, দুই, তিন,
चार पाँच आम यही समय यदि बैलेन्स रखिपारे तेल कांथ उपर भरादी मध्य कर छ सात आठ नौ दस पुणी डाण गोड़े छेड़ा हाँ बा गोड़े आम किक करवा आग को जीक ना पक्ष को हिल को मध्य आम लगे बा। एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस विश्राम करवा परिवर्तन को अनुभव करवा वर्तमान धीरे धीरे बसी जीवा वर्तमान आंठू चकीर मोमेंट करवा आम आंठुरे गोटे चकी बा गोल भलिया अच्छी ताको आम दुई पटे धरवा एवं आग पछ करवा पछु करवा आग को करवा करवा समय तार आग पछर मोमेंट को अनुभव करवा वर्तमान अनंत भाई को मध्य देखे दूची करवा बेले केमिति करवा दुई हाथ को दबा एमिति धरि परिबा एमिति आग पछ मोमेंट होची आग को पछु आमे आगुरु दबेले पछ को जाउची पुनी पछरु दबेले आग को आसुची एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एमती कलापर पुणी साइड को आमे दुई साइड को यही दुई बुढ़ा आंगुल दबेले एपट को जाऊँगी पुणी दिशा आंगुल दबेले एपट को आसुची दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक सेमती वर्तुलाकार बुलाइबा एवं करने आम पुणी पामिंग करके सेक दबा आस अभ्यास करवा वर्तमान बाँ गुड़े करवा आम बुढ़ा आंगु को ऊपर भाग विषय आंगु को पछ भाग रखा ऊपर तल करवा आंठू चकी को एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस पुणी हाथ को रगड़ा एवं आमर आंठू जंत्रणा कम अनुभव करवा उष्णता को अनुभव करवा पुणी आमे आंगुल को रखिबा एवं साइड मोमेंट करवा एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस पुणी हाथ को रगड़ा एवं आंठू पर रखिबा उष्णता को अनुभव करवा आंठू जंत्रणा कम होउची ताको मध्य अनुभव करवा दीर्घ श्वास नबा छाड़ीबा पुणी वर्तमान आम वर्तुलाकार बुलाइबा एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस विपरीत दिगरे एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस आंठू ऊपर रखिबा उष्णता को अनुभव करिबा जंत्रणा कम होइछि अनुभव करिबा धीरे धीरे दुई कोहनी रो सहाय्य नै आमे पिठी ऊपर सोई जिबा वर्तमान डाहाण गोड़ को आंठू पाखर मोड़ीबा एवं डाहाण पाद को बा आंठू पाखर रखिबा एवं पछ पाखु नै जिबा गोटे पाख एक सीधा करवा दुई सीधा करवा तीन चार पाँच वर्तमान डाहाण गोड़ को सीधा करवा बाँ गोड़ को आंठू पाखर मोड़ा एवं बाँ पाद डाहाण आंठू पाखर रखा दुई हाथ को बध आम समात कांध समातर रखिपरिया
ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା କରିବା। ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ନେବା ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା। ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ନେବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ନେବା। ଏକ ଦୁଇ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ନେବା। ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଶବାସନକୁ ଆସିବା। ଶବାସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ ଦେବା, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ମଝି ଭାଗର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଭାଗର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ପ୍ରାଣବ ବା ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଡାହାଣ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କରେ ରଖିବା, ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ, ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯିବା। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଜିଭକୁ ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି କରିବା, ପାଟି ବାଟେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ନାକ ବାଟେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଚାର ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ କିମ୍ବା ଗଳାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଜିଭର ଅଗଭାଗକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା,
दीर्घ श्वास नवा शेष थर अभ्यास करवा दीर्घ श्वास नवा जीभ को ताल रे लगाइबा भ्रमरीर कंपन को पूरा शरीर रे अनुभव करिबा कांध को ढिला छाड़ीबा संपूर्ण शरीर होता परिवर्तन को अनुभव करिबा। नमस्कार मुद्रा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आमे ये चतुर्थ अध्याय योगाभ्यास कलु अर्थराइटिस पाई बा आमर गंठी मानक होता जंत्रणा को कम करिबा पाई। आमे आउ थरे मन रखिबा की प्रकार करिबा दिन रे मध्य दुई तीन थरे मध्य ये अभ्यास को करि परिबा। करिबा समय रे होतबा परिवर्तन को अनुभव करिबा रक्त संचालन को अनुभव करिबा स्नायुर स्पंदन को मध्य से स्थान रे अनुभव करिबा। नमस्कार वर्तमान आमे गोटे प्रश्न नवा प्रश्नकर्ता को सुनिबा प्रश्न कौन अछि। आज प्रश्न अछि भौणी अनिता दीदी 42 वर्ष दिल्ली रु ब्रेस्ट कैंसर परे एवं चिकित्सा परे तांकु कमजोर लागुची असुस्थता लागुची कौन योग करिबे एवं की प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा करिबे तांकर प्रश्न रहुची। साधारणतः आधुनिक चिकित्सा सहित योग एवं आयुर्वेद को कले उपकार बेसी मिलिबो। मेडिटेशन करंतु ध्यान करंतु एवं नाड़ी शुद्धि बा अनुलोम विलोम प्राणायाम को दिन रे 3-4 थर करंतु 5-5 मिनिट। डाहा नाक बंद करिबे पा नाक रे श्वास को छाड़िबे पुणी बा नाक रे श्वास नेबे बा नाक बंद करिबे डाहा नाक रे श्वास को छाड़िबे। एही अभ्यास को 5-5 मिनिट दिन रे 4 थर करंतु। ता छड़ा साधारणतः योग एवं प्राणायाम को मध्य दैनंदिन करंतु निश्चित भाव उपकार पाई परिबे। ता सहित आसंतु आमर आयुर्वेद आचार्य पाखरु सुनिबा आमर आयुर्वेद रे कोन उपचार अछि। नमस्कार जय जगन्नाथ। देखंतु माँ आपणकर जो दुर्बलता अनुभव करुचंती आपण सकाळे संध्यारे गोटे कप उषुम क्षीर सहित गोटे चमच अश्वगंधा चूर्ण नियंतु एथिरे आपणकर दुर्बलतार उपशम हेबो। आउ आपणकर जे पर्यंत आपणकर जो स्तनर अर्बुद कथा आपण कहुथिले तापाई स्तन रोगर जावत्य समस्या रे आमर सतावरी बड़ा सुंदर संतर्पणीय चिकित्सा हुए। सतावरी चूर्ण आपण गोटे चामच से अश्वगंधा चूर्ण सहित मिसाई देके खाइपरिबे। सकाळे संध्यारे अश्वगंधा गोटे चामच सतावरी गोटे चामच गोटे कप उषुम क्षीर सहित मिसाइक आपण पियंतु। याद्वारा आपणकर दुर्बलता भी जीव आउ स्तन रोगर जावत्य समस्या मध्य जीव। जय जगन्नाथ।